चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि में बने हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई उसके बाद उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वो इस जगह आए। इन्हें भक्त अब हनुमान धारा का दर्जा देते हैं और यह पवित्र स्थान हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। यह विंध्यास के शुरुआत में रामघाट से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि एक चमत्कारी पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम ने हनुमान जी विनती की जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह एक पवित्र धारा बनाई जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती रही। अमृत प्रसाद मिश्रा, क्या मान्यताएं हैं हनुमान धारा की? हनुमान धारा की मान्यताएं ये है कि जो जैसा भगवान के लिए अपने मनोकामना किया उनकी मानवता पूरी होती है। और ये हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था, लंका को जलाया था, तो सरकार को लंका जलाने की इनको तपन रहती थी गर्मी ज्वाला दाह, उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय राज इत्यादि करके अवध का राज करके महाराज जाते हैं वैकुंठ को यानी साकेत को, उस समय हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सेवा में रहते थे। एक दिन बोले भक्त हनुमान, मैं तो जिसने अवतार लिया वह कार्य मेरा पूरा हो चुका, इसलिए हनुमान आपको कहने आ जाना है, इसके निष्पत में जो भी चाहिए तुम मांगो। जब हनुमान जी महाराज फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें कोई वस्तु की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान राम बरबस कहते हैं कि भक्त हनुमान मांगिए चाहे जो कुछ मांगिए, क्योंकि मैं तुमसे ऋणी होकर जाता हूँ, यदि आप कुछ मांग लोगे तो मैं भी तुम्हारे ऋण से ऋण जाऊंगा, यदि आप कुछ मांग लोगे तो मैं भी तुम्हारे ऋण से ऋण जाऊंगा। तब अयोध्या जी से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर ये संकर्षण की पर्वत पर हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा प्रवाहित किया, गंगा का नाम सरस्वती है, गंगा मैया का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का भी पता नहीं कहाँ समाप्त है, केवल दर्शन आपको हनुमान जी पास मिलेगा। भगवान जिस समय इनको स्थान और धा दिया उस समय भगवान राम और माता जानकी ने स्वयं दोनों प्रतिष्ठा किया हनुमान जी का, 5 चीज थे, झंडा लंगोटा तेज नूर आटे करोड़।